लालगंज कोतवाली में होली त्योहार को देखते हुए कमेटी की बैठक हुई संपन्न। लालगंज रायबरेली कोतवाली में होली व शबे बारात के त्यौहार को देखते हुए लालगंज कोतवाली परिसर में शांति कमेटी की बैठक हुई। लालगंज कोतवाल राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हुई इस बैठक में क्षेत्र के तमाम गणमान्य शामिल हुए। अधिकारियों ने होली व शबे बारात त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए लोगों से अपील की है। साथ ही लोगों को आश्वस्त भी किया है कि खलल डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विधानसभा मतगणना के पश्चात उपद्रव करने वालों के खिलाफ भी पुलिस सख्ती से निपटेगी। कोतवाली परिसर में आयोजित पीस कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए कोतवाल ने कहा कि होली रंगों का त्यौहार है, ये आपसी सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम भाइयों का शबे बारात पर्व भी है, इसे सभी सौहार्द पूर्वक मनाए। यह दोनों पर्व त्योहारों को तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस है। बैठक में उपस्थित सदस्यों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने में सहयोग की अपील की। होली का त्यौहार प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, इसे मिलकर उत्साहपूर्वक मनाए। त्यौहार में अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कहा कि त्यौहार को परंपरागत तरीके से व हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कहीं भी होलिका दहन के स्थान पर समस्या उत्पन्न हो रही हो तो इसकी सूचना दें, उसका समय रहते निस्तारण किया जाएगा। बैठक में उपस्थित प्रधानों व जनप्रतिनिधियों से अधिकारियों ने आग्रह किया कि पर्व को नाम पर अराजकता फैलाने वालों की सूचना हर हालत में पुलिस को मुहैया कराई जाए। बैठक में उपस्थित लोगों ने अपने आसपास की समस्याओं से भी उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, समर कुमार, रायबरेली।